इधर आसाम में आज 18 साल से ऊपर श्रेणी के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन पूरी तरीके से क्लोज रहने वाला है और पिछले 24 घंटे में 31,219 लोगों को लगाई गई है कोरोना की वैक्सीन। अभी तक इस कैटेगरी में 14,87,248 लोगों को पहली डोज लगी है। 18 प्लस के लिए अब तक सीरम से कुल 14,94,750 वैक्सीन डोज मिली। शेष बची करीब 7,000 डोज में से 4,000 को भी माना जाए वेस्ट। जिले में सिर्फ 3,000 वैक्सीन की डोज बची हैं इस कैटेगरी की शेष। और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे में आज अधिकांश जिलों में साइट्स पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। दोपहर बाद को वैक्सीन की 2,92,000 की खेप जयपुर पहुंच रही है। शुक्रवार तक ही ये पहुंच पाएगी जिले में, उसके बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, एक तरीके से कहा जाए कि आंकड़ों की लड़ाई दो तरफ से हो रही है। केंद्र कहता है मेरे आंकड़े, राज्य कहता है मेरे आंकड़े, दोनों के बीच में, लेकिन जो आम लोग हैं सबसे ज्यादा नुकसान में वही हैं। देखिए, बिल्कुल आम लोग पूरी तरीके से प्रभावित है और एक बड़ी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की ये संख्या है 18 प्लस की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में तो। और उनके लिए अब तक जो सीरम इंस्टीट्यूट से जो दवाइयां पेड कैटेगरी में राजस्थान सरकार ने खरीदी हैं वो है 14,94,750 और इनमें से 14,87,248 लोगों को लगाई जा चुकी है। तो अब मूलतः बात यह है कि पूरी तरीके से वैक्सीन जो है वो राजस्थान में खत्म हो चुकी है। ग्लोबल टेंडर की जो बात कही जा रही थी वो पूरी तरीके से अब ग्लोबल टेंडर भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए बार बार राज्य सरकार केंद्र से इस बात की अपील कर रही है कि केंद्र अपने स्तर पे एक तय रेट पर वैक्सीन राजस्थान को या सभी राज्यों को उपलब्ध कराए। इस तरह इशारा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अभी कोरोना संक्रमण गया नहीं है, केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन जब तक एक बड़े जनसमूह को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि अगर राज्य के पास वैक्सीन नहीं होगी। हालांकि आज दोपहर बाद तक लगभग 2 लाख से ज्यादा एक जो कोवैक्सीन की जो खेप है वो राजस्थान में संभवतः पहुंच जाएगी, जिसके बाद में एक आंशिक राहत मिलती दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर केंद्र ये तय करता है कि इस राज्य को उसकी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन की डोज मिले और एक तय रेट पर मिले, वो रास्ता बेहतर होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान का जो ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे थे कुछ कंपनीज आई नहीं और जो कंपनीज आई उनके साथ में जो की रेट तय की जाती है उस पर बात नहीं बनी है और जिनसे बात बनती दिखाई दे रही थी तो उन्होंने काफी लेट समय दिया था कि हम आपको इस समय तक ही वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे, जो कि काफी देरी हो जाएगी और राजस्थान को अभी जो टारगेट लेके चल रहा है राजस्थान उसमें बड़ी संख्या में वैक्सीन चाहिए होंगी और केंद्र अगर मदद करता है तो ये संभव हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए।